काव्या जैन आप सभी का अजय एस्ट्रो मनी गुरु में स्वागत करती हूँ। आज है 10 मई 2024 दिन शुक्रवार। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे तेल को लेकर। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आपको बता दें कि इस शो में दिए गए सभी भाव व आंकड़े विश्वसनीय सूत्रों से एकत्र किए गए हैं। फिर भी कोई भी व्यापारिक निर्णय लेने से पहले आप स्वयं उसकी जांच कर लें, और कोई भी निर्णय लेने से पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार से भी सलाह ले सकते हैं। ये सभी जानकारियां आपको अनुसंधान और शिक्षण के लिए दी जा रही हैं। किसी भी प्रकार के लाभ और हानि के लिए हमारा चैनल जिम्मेदार नहीं है, और साथ ही आप शो के डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ लें। चालू सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन मलेशियाई पाम तेल वायदा में पिछले दो दिनों से जारी तेजी पर न केवल ब्रेक लगा, बल्कि इसमें करीब 1.5% की मंदी भी आ गई। कारोबारियों तथा विश्लेषकों ने कहा कि प्रतिद्वंदी सोया तेल में मंदी आने तथा पाम के निर्यात को बनी चिंताओं की वजह से पाम तेल में नवीनतम मंदी दर्ज की गई है। बुर्सा मलेशिया डेरिवेटिव्स एक्सचेंज का बेंचमार्क जुलाई पाम तेल वायदा 61 रिंगगिट या 1.55% मंदा होकर 3,859 रिंगगिट 816.24 डॉलर प्रति टन पर आ गया। डालियान के सर्वाधिक सक्रिय सोया तेल में 0.13% की नरमी आई। इसका पाम तेल वायदा 0.24% मंदा हुआ। शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड का सोया तेल वायदा 1.17% टूट गया। ब्राजील में आई बाढ़ की वजह से इस प्रमुख तिलहन फसल पर पूर्वानुमान की अपेक्षा कम असर हुआ, जिस कारण सोयाबीन वायदा में मंदी आ रही है। एक विश्लेषक ने हाल ही में बोला कि मौसम से हालांकि पाम तेल की कीमतों को समर्थन मिला है, लेकिन निर्यात पिछड़ने की वजह से तेजी सीमित हो सकती है। हाल ही में किए गए एक सर्वे के औसत निष्कर्ष में बताया गया कि बीते अप्रैल महीने में मलेशिया से पाम तेल उत्पादों का निर्यात मासिक आधार पर 7.79% घटकर 12.20 लाख टन होने का अनुमान है। सॉफ्ट तेलों की तुलना में पाम की कीमत अपेक्षाकृत रूप से डिस्काउंट पर बोली शुरू हो गई है, क्योंकि सीजनल तौर पर उत्पादन में सुधार होने की उम्मीद है। अमेरिका में क्रूड तथा ईंधन दोनों के बकाया स्टॉक में वृद्धि होने तथा अगले महीने होने वाली ओपेक प्लस की बैठक से पूर्व आपूर्ति सामान्य बनी रहने की उम्मीद से क्रूड ऑयल में मंदी आई है। आज का शो यही समाप्त होता है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फर्दर डिटेल और रिसर्च रिपोर्ट के लिए आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कॉल करें 9414056705 या 9887056704 पर। धन्यवाद।